अक्सर सुर्खियों में रहने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी उनके लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। आजम खान पर अब तक 26 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। उन्हें भूमाफिया तक घोषित किया जा चुका है, लेकिन अब लग रहा है कि उनकी परेशानी और बढ़ने वाली है। तो कैसे बढ़ सकती है सपा सांसद की मुसीबत, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। एक तरफ बीजेपी नेता जयप्रदा समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति होने के चलते लोकसभा की सदस्यता खत्म करने के लिए अदालत के चक्कर कटवा रही हैं, तो दूसरी तरफ वो अपने ऊपर दर्ज 26 से ज्यादा मामलों को लेकर परेशान है, जिसके चलते उन्हें भूमाफिया तक घोषित किया जा चुका है। कहा जा रहा है कि भूमाफिया घोषित करने के बाद से आजम अपने गृह जनपद रामपुर नहीं आए। सूत्रों की माने तो आजम खान गिरफ्तारी के डर से रामपुर नहीं आ रहे। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय पाल शर्मा ने कहा है कि आजम पर जो धाराएं लगी हैं उसके तहत उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि आजम खान रामपुर आने से कोई परहेज नहीं कर रहे, बस संसद चल रही थी इसी कारण उनकी व्यस्तता रही। बाकी रही बात मुकदमे की तो वो सभी राजनीतिक कारणों से लगाए गए हैं, जल्द ही उनको इससे निजात मिलेगी, वो जल्द ही रामपुर आएंगे। वह बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और रामपुर के प्रभारी डॉक्टर चंद्र मोहन ने कहा कि सरकार भूमाफियाओं के खिलाफ सख्ती से कदम उठा रही है, किसी भी कीमत में आजम खान छोड़े नहीं जाएंगे, उनका सच सामने आ रहा है और यही कारण है कि वो मुंह छिपा रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी सपा सांसद को रामपुर नहीं आने को लेकर निशाने पर लिया है। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष फैजल खान लाला ने कहा कि आजम खान को पता है कि वो रामपुर आएंगे तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, यही कारण है कि वो नहीं आ रहे और उनका रामपुर न आने का एक कारण ये भी है कि उन्होंने कुछ गलत किया है। अब उनके रामपुर न आने का असल कारण क्या है ये तो वो ही जाने, लेकिन बीजेपी जिस तरह से आरोप लगा रही है उससे आजम खान का बच पाना मुश्किल लग रहा है। खैर अब ये देखना होगा कि आजम अपने रामपुर नहीं आने के पीछे कैसे अपना बचाव करते हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।